टाइम फॉर आवर नेक्स्ट अवार्ड एंड दैट इज बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। और ये अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर आर बाल्की। हाय, दिस इज फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। आई थिंक आई एम मोर नर्वस प्रेजेंटिंग इट बिकॉज़ आई थिंक आई नो हु इट इज। गोज टू मिस्टर ऋषि कपूर। Good evening, ladies and gentlemen. You know, life is really strange. जिसके लिए मुझे ये पुरस्कार आज दिया जा रहा है, मैंने ये फिल्म रिफ्यूज की थी, मैंने ये रोल करने से इनकार कर दिया था। डायरेक्टर करण मल्होत्रा, प्रोड्यूसर करण जौहर, दे परसिस्टेड फॉर ओवर अ मंथ दैट आई शुड एक्सेप्ट दिस रोल। आई सेड मैं कोई भाव नहीं खा रहा हूँ, कोई अपनी प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरे में हिम्मत नहीं थी, मेरे में साहस नहीं थी। आई हैड नो कॉन्फिडेंस टू प्ले अ नेगेटिव रोल। मैंने कहा यार, जिंदगी भर मैंने रोमांटिक गाने गाए, स्वेटर पहनकर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया हीरोइंस को, ऐसे मैं कहाँ रौफ लाला का रोल कर सकता हूँ। क्यों, मुझे डर था कि कहीं मैं ये रोल करूँ और मैं ठीक ना लगूँ तो फिल्म मेरे कारण नहीं चलेगी। एंड आई वाज स्केयर्ड के आई डिड नॉट वांट टू रिस्क दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट विद मी इन इट। सो आई सेड टू हिम दैट आई विल नॉट डू दिस फिल्म। दे इंसिस्टेड, दे परसिस्टेड। मैंने लुक टेस्ट जिंदगी में 40 साल से काम कर रहा हूं, कभी जिंदगी में किसी को लुक टेस्ट नहीं दिया मैंने। आई गेव देम अ लुक टेस्ट, आई सेड यार बेवकूफ लगूंगा, क्या कर रहे हो, इट इज सुसाइडल मिशन, यू कांट टेक मी इन दिस रोल, आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू इट। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि मैं उनकी कन्विक्शन की दाद देता हूं कि दे थॉट अबाउट मी प्लेइंग दिस रोल, दे टुक द रिस्क ऑफ टेलिंग मी टू प्ले दिस रोल। दिस ट्रॉफी ऑफ माइंड ट्रूली बिलोंग्स इन एवरी सेंस टू करण मल्होत्रा एंड टू करण जौहर, नोबडी एल्स बट देम। थैंक यू फॉर दिस।